विवेकानंद आर्मी के फाउंडर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जी, क्या नाम है सर? अजीत कुमार राय। अजीत कुमार राय, मैं इस प्रोटेस्ट में इसलिए आए हैं कि हमारे जो कुछ बच्चे जो है, कुछ बच्चियां कल रोने लगी मेरे सामने, तो इन्होंने बोला कि सर आप इसमें कुछ कर नहीं रहे, तो फिर हमें लगा कि हम कितने इनसेंसिटिव है कि ये बच्चे रोने लगे। उसके वजह से जो है मैंने कल अपना फेसबुक पर और सारे बच्चों को ये मैसेज दिया कि कल यहाँ पर पार्टिसिपेट करें और भाग लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आधी आबादी है ये, और आधी आबादी है, और देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज तक ये जस्टिस की गुहार लगा रही है, जस्टिस के लिए रो रही है। क्या भगत सिंह ने, क्या भगत सिंह ने फांसी इसलिए अपने गले में लगवाया था कि इस देश की आधी आबादी 75 साल तक जस्टिस के लिए गिड़गिड़ाए रोए? क्या इसी दिन के लिए हमें आजादी मिली थी? समस्या ये है कि हर 5 साल पर सरकारें आती हैं और जाती हैं, और महिलाओं की सुरक्षा की बातें और भाषणबाजी होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में क्या वास्तविकता बदली है? निर्भया कांड में भी ऐसे ही आंदोलन हुआ, 6-7 साल हो गए, और आज हम नारे लगा रहे हैं कि प्रियंका हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, निर्भया के भी कातिल जिंदा हैं, और आगे फिर हम लगाएंगे ऐसे ही नारे। तो ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? युवा शक्ति, युवा शक्ति आगे आए, और आपके टीचर, अभी पता चला ना कि आपके अध्यापक आए नहीं, परीक्षाएं तो होती और होती रहेंगी, परीक्षा कहाँ आने से रोक रही है? परीक्षा आने से नहीं रोक रही है। एक टीचर्स का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ पे? तो आपकी भावनाओं में आप शिक्षक, प्रशासक, आप गार्जियन, सबको आप गाइड करो। स्वच्छ भारत अभियान में बच्चे जब शर्मिंदा करते थे पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स भी नहीं फेंकते थे कोई कचरा। बच्चे, इस देश के युवा आगे आओ और इनको लीड करने दो, इनको लीड करने दो, ये खुद सुधार देंगी। आज इनके अंदर एक ही वर्ड आ रहा है, फांसी 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 फांसी। क्यों? क्या इनके अंदर वो गुस्सा कोई देख रहा है शासन प्रशासन? तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि एक बड़ा भयानक विस्फोट ना हो। हर पल, मतलब हर दिन टीवी पे, न्यूज पे रेप की कोई ऐसा अखबार आज तक छपा है स्वतंत्र भारत में जिस दिन रेप की घटना नहीं हुई हो? और 5 साल 2 साल, ये क्या दुर्दांत है? ये वो देश है जहां बोलते हैं यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभी इनको, ये वो बच्चियां हैं जिनको जिमाया जाता है नवरात्र में, उनकी पैरों की पूजा होती है, जिमाते हैं, इनके अंदर दुर्गा माता माना जाता है। ये कितना ढोंगी हो गए एक समाज के रूप में। तो संस्कार भी चाहिए और प्रशासनिक कड़ाई भी चाहिए। और जो बात है कि ऐसे कानून लाओ कि लगातार सिलसिलेवार ऐसे लोगों को 1.5 महीने 2 महीने के अंदर फांसी पर लटकाओ, देखो एक तरफ से दहशत भी होगी दरिंदों में, और दूसरे तरफ हमारे अंदर का जो संस्कार है वो मर रहा है। बच्चों, अपने संस्कृति से जुड़ो, अपने संस्कारों को लाओ, कैंपस में संस्कार का निर्माण करो, और धीरे धीरे समाज को बदलो। इंसाफ की डगर पर पे बच्चे दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। धन्यवाद। एक बात और जानना चाहूंगा, आपने एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी कि ये एक दिन की बात नहीं है, कि अगर हम आज करेंगे प्रोटेस्ट कल चले जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित रह के चला जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये लड़ाई है हमेशा की, जब तक के लिए इंसाफ नहीं मिलता और आगे आने वाले जो लोग हैं, जो दरिंदे हैं, उनकी जब रूह ना कांप जाए तब तक के लिए चीज नहीं होती, तब तक के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सही आपने कहा, तब तक के लिए इस अलग को जगाते रहिए। और अपने कैंपस में मैं चाह रहा हूं बच्चों, हर हफ्ते 15 दिन 1 महीने पर इस तरह की चीजें, संगोष्ठी करो, अपने छात्र यूनियन है, बच्चे हैं, इकट्ठे हो, संगोष्ठी करो, अवेयरनेस फैलाओ, और टीचर से बोलो संगोष्ठी में भाग लीजिए, इसमें हमें सहयोग कीजिए। इसमें भी यही कहना चाहूंगा कि टीचर्स की बात करें, हमारे लिए एक छोटी सी बच्ची इंस्पिरेशन, 16 साल की ग्रेटा थनबर्ग, अगर आप लोग जानते हो, जो अकेली निकली अपनी पढ़ाई छोड़ के, 1 साल का अपनी पढ़ाई का नुकसान करके, तो क्यों ना टीचर्स और क्यों ना स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े, और क्यों एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, और क्यों नहीं आगे बढ़ के, और क्यों सवाल नहीं करे सरकार से? इस देश के युवा ही आगे बढ़ेंगे, और सरकार से सवाल क्या, हक छीन ना जाता है। अगर इस देश का युवा चल पड़ेगा,
थर्रा कर सरकारें बदल देंगी, व्यवस्था बदलेंगी। इसलिए आप लोग जागो, इस तरह का सेमिनार संगोष्ठी करो, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी बुलाओ, वहां भी जाओ और एक ऐसा वातावरण निर्माण कर दो जयपुर इस देश का एक केंद्र स्थल बन जाए और जो कि पूरे देश को एक नेतृत्व दे। यहां से जो चिंगारी आज निकली है, छोटी चिंगारी है, लेकिन इसको अगर अगर फैलाते रहोगे पूरे देश में एक आग लगेगी। कैसी आग? व्यवस्था बदलने की आग, अपने संस्कारों को बदलने की आग, जो एटीट्यूड है नारी को देखने की, जो एक एटीट्यूड है, सोच है, उस सोच को बदलने की जरूरत है। लड़की देख करके क्लास में भी आप लोग से भी पूछ रहा हूं, मैं भी टीचर हूं, देखता हूं, अगर कोई गर्ल की बात आती है, हो ये क्या है, क्या है, होता है कि नहीं, ये क्या होता है, कोई गर्ल की बात, कुछ भी बात आ जाती हो, ये क्या एटीट्यूड है। तो इस एटीट्यूड को हम सबको बदलना है, सबको बदलना है, मैं भी शामिल हूं, सबको बदलना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और इस चिंजारी को जिंदा रखो। थैंक यू वेरी मच।